हैं ESPN 9 न्यूज और एक बार फिर से मैं अपना खास प्रोग्राम आपके सामने लेकर हाजिर हूँ और बात करूंगी भैयू जी महाराज को लेकर जो कि देश के जाने माने आध्यात्मिक गुरुओं में शुमार किए जाते थे। भैयू जी महाराज अब इस दुनिया में नहीं है। बीते कल यानी कि बुधवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और उनके अंतिम संस्कार में जो मंजर देखने को मिला वहाँ ये देखने को मिला कि बहुत बड़े बड़े नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार से दूरी बनाए रखी थी। बहुत से ऐसे नेता थे जिनसे उनकी बहुत करीबी कही जाती थी, करीब रहा करते थे, उनमें से बहुत ही कम नेता जो थे वहाँ पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आखिर इसके पीछे की बड़ी वजह थी क्या, आखिर क्या हुआ था, किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इसके कई सियासी मायने भी आने वाले दिनों में निकल कर सामने आए। बात करें अगर भैयू जी महाराज को लेकर तो भैयू जी महाराज को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी जो बेटी है कुहू और जो उनकी दूसरी पत्नी आयुषी हैं उनके बीच में दोनों माँ बेटी के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है और कुहू जो है अपनी सौतेली माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब ऐसे में वो इंदौर इसलिए आई थी क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो अपने पिता को देखने आई थी। अंतिम संस्कार मुखाग्नि जो है कुहू नहीं दी थी लेकिन वैसे वो उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 90 दिनों बाद अपने घर वापस आई थी, मतलब घर आई थी वरना वो घर नहीं आती थी। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुहू और आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज की दूसरी पत्नी के बीच कुछ भी सही नहीं था। तो वहीं सबसे बड़ी खबर तो ये भी आई है कि जो सेवादार है भैयू जी महाराज का उसको उसके नाम सारी संपत्ति कर दी गई है। और भैयू जी महाराज ने उसे सबसे अपना विश्वस्त शख्स बताया है। अब ऐसे में सेवादार पर भी शक किया जा रहा है कि कहीं उसने तो प्रवोक नहीं किया भैयू जी महाराज को, ये हम नहीं, ये खबर बता रही है, खबर ऐसी सामने आई है। और बहुत से ऐसे लोगों का कहना भी है कि क्या भैयू जी महाराज ने सेवादार को बताया था कि उन्होंने संपत्ति जो है उसके नाम की थी, क्या घर में किसी को इस बात की जानकारी थी, क्या उनकी पत्नी, उनकी बेटी, उनकी माँ को इस बात की जानकारी थी कि वो अपनी संपत्ति विनायक के नाम कर रहे हैं जो सेवादार है। फिलहाल अभी से सस्पेंस बरकरार है लेकिन आपको फिलहाल खबर दिखाती हूँ मैं और खबर में कहीं ना कहीं इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं, प्रूफ मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये जो केस है और भी ज़्यादा पेचीदा हो सकता है। या पढ़ सकते हैं संत और आध्यात्मिक गुरु भैयू जी महाराज ने 12 जून को अपने खंडवा रोड स्थित आवास पर खुद को रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली और बीते कल यानी कि 13 जून को उनका अंतिम संस्कार इंदौर के विजयनगर स्थित शमशान घाट में उनकी बेटी कुहू ने किया। इस दौरान उनकी पत्नी डॉक्टर आयुषी और माँ आश्रम में ही रहीं। सुसाइड नोट में भैयू जी महाराज ने आत्महत्या का कारण तनाव बताया और नोट में कथित उन्होंने अपना उत्तराधिकारी जो है सेवादार विनायक को बनाया है, कथित है अभी। और हालांकि इस मामले में फैसला ट्रस्ट लेगा और भैयू जी महाराज के श्री सदगुरु दत्त धार्मिक ट्रस्ट की देश भर में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है और सेवादार को उनका उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो वो सीधे 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक बन जाएगा। और जानकारी के मुताबिक भैयू जी के अकेले महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा केंद्र हैं और इंदौर में उनके 2 घर हैं, 10 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं। और वहीं पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद करने के साथ उनकी रिवॉल्वर जब्त कर ली है और भैयू जी महाराज की तरफ से खुद को गोली मार लिए जाने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर जुट गए और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भैयू जी महाराज के निधन पर शोक जताया। वहीं आत्महत्या मामले की CBI से जांच की मांग की गई है और जो स्थानीय रिपोर्ट है उसके अनुसार इंदौर रेंज के ADG अजय शर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा है कि आत्महत्या के हर पहलू की जाँच हो रही है और जाँच में परिवार के हर शख्स को शामिल किया गया है। अब जो सबसे बड़ा पेच ये है कि आखिर सेवादार का ही नाम क्यों सामने आ रहा है संपत्ति को लेकर। भैयू जी महाराज की आत्महत्या की वजह उनकी दूसरी पत्नी और बेटी के बीच चल रहा विवाद अभी तक सबसे पहले सामने आया है और पुलिस फिर भी हर एंगल से उनकी आत्महत्या की जांच कर रही है। पुलिस को शक है कि भैयू जी ने सेवादार को ही क्यों अपना उत्तराधिकारी बनाया है। उनके पत्नी और बेटी से भी तो अच्छे रिश्ते थे तो उन्होंने पत्नी या बेटी को अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनाया, इसके पीछे की क्या वजह है, पुलिस इन सब मामलों की भी बारीकी से जांच कर रही है। और मैं आपको हेडलाइन दिखाऊंगी जिसमें आप इस हेडलाइन से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेवादार जो है वो शक के घेरे में है। ये देखिए
200 करोड़ की प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बन जाएगा विनायक अगर ट्रस्ट फैसला लेता, क्योंकि अब ये फैसला जो है वो ट्रस्ट के पास है और ट्रस्ट ने अगर फैसला लिया तो समझिए 200 करोड़ की संपत्ति का वारिस बन जाएगा विनायक, जो कि उनका सेवादार है भैयू जी महाराज का। मैंने अभी शुरुआत में ही अपने प्रोग्राम में ये बात कही है आपसे कि क्या भैयू जी महाराज ने जब विनायक के नाम इस संपत्ति की या कर जब, तो क्या इस बात की जानकारी उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनकी बेटी को थी या नहीं। जहाँ तक लगता है कि नहीं थी तभी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। और आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी इंसान जो होगा, अगर घर उसके घर से कोई बड़ा जो बुज़ुर्ग इंसान है, जो मुखिया आएगा, वो इस दुनिया को रुखसत कर लेता, दुनिया से चला जाता है, तो अगर उसने संपत्ति अपने बेटा, बहू, बेटी या दामाद या पत्नी के नाम नहीं की और किसी और के नाम कर दी, तो क्या वहाँ पर विवाद नहीं होगा? जाहिर सी बात है विवाद होगा और हो सकता है विवाद हो रहा हो, लेकिन मीडिया में अभी ये खबर नहीं आई है। लेकिन हाँ, विनायक के नाम संपत्ति करने का मतलब क्या बनता है? और फिर सबसे बड़ी बात जो इसमें मैंने खबर में पढ़ी है, वो खबर ये भी है कि आखिर सेवादार को ही भैयू जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी बनाया क्यों है? कुहू को वो बहुत प्यार करते थे, उनकी बेटी है, उनकी पत्नी से, अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करते, कुछ सोच समझ के उन्होंने दूसरी शादी की होगी, माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर जब घर में उनके इतने सदस्य हैं तो फिर उन्होंने घर से बाहर के शख्स को क्यों चुना? क्या उन्हें अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं था? ऐसा तो है नहीं, घर में हर किसी के खटास, मतभेद, मनभेद होते हैं, लेकिन फिर भी वो मनभेद मतभेद एक साइड होते हैं और जब बात होती है संपत्ति की तो लोग अपनों को ही चुनते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पर तो आप समझिए कि इनके घर में कोई पुरुष है ही नहीं, मतलब इनके अलावा देखा जाए तो कोई पुरुष था भी नहीं, कहा जाता है दूसरी पत्नी से भी इनको एक बेटी ही है, तो फिर और पहली पत्नी से भी इनको एक बेटी है, माँ है, तो घर में महिलाओं का ही तो पूरा राज है। तो फिर ऐसे में इन्होंने विनायक को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? हालांकि कथित तौर पर भी ये बात कही जा रही है, अभी ये बात पूरी तरह से साफ तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन पुलिस को इस बात का शक है कि आखिर विनायक को ही भैयू जी महाराज ने अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया है। आप समझ रहे हैं 200 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। इनके महाराष्ट्र में 20 से ज़्यादा केंद्र हैं, इंदौर में केंद्र हैं, इंदौर में घर है इनका और 10 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियां हैं, तो खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी आलीशान ज़िंदगी जीते थे भैयू जी महाराज। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके पीछे कोई और भी वजह निकल कर सामने आए। और जैसा कि भैयू जी महाराज के समर्थक कह रहे हैं कि उनको मारा गया है, उस साजिश के तहत उनको मारा गया है। अब ये साजिश के तहत क्या कहा गया है, कांग्रेस भी इसको कह रही है, कांग्रेस का भी साफ साफ कहना है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए भैयू जी महाराज की मामले की, क्योंकि हो सकता है कि उनको मारने की कोशिश की गई हो। और इस बात की आशंका इसलिए व्यक्त की जा रही है क्योंकि भैयू जी महाराज इससे पहले भी हादसे का शिकार हो चुके हैं, उनकी बाल बाल जान जाते बची थी लेकिन वो बच गए। तो ऐसे में क्या हो सकता है, हालांकि वो अपने रूम में बंद थे, जो खबर आई है अपने कमरे में बंद थे, दरवाज़ा बंद था, रिवॉल्वर अपनी कदपट्टी पे लगाई और गोली मारी, उससे पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा, उनकी पत्नी आई, उनकी पत्नी उस वक्त घर में नहीं थी, और जैसे उनकी पत्नी घर में आई उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला, फिर बुलाया गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, फिर देखा गया कि वो लहूलुहान अवस्था में अपने बेडरूम में पड़े हुए थे। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, बॉम्बे हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर एक जांच का विषय ये भी हो सकता है कि उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था, क्या एक्टिविटीज़ थी वहाँ पे, घर में कितने लोग थे, और जब उन्होंने अपने खुद आत्महत्या की उससे पहले भैयू जी महाराज कहाँ थे, क्या कर रहे थे, किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी। और पुलिस को बहुत पहले भी जाना पड़ेगा, एक महीने पहले भी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आखिर क्या हालात थे। उनकी जो सीसीटीवी फुटेज आई उसमें भी कई चीज़ें सामने आई हैं कि वो वहाँ पर भी परेशान थे, उनके चेहरे पर साफ साफ कुछ हालात नज़र आ, कुछ ऐसी स्थितियाँ नज़र आ रही थी जिससे बहुत परेशान थे। नर्मदा को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सामने आया है कि भाई उन्होंने उनको कॉल किया था नर्मदा में, जिस तरह से अवैध खनन किया जा रहा है शिवराज सरकार की तरफ से, उस पर कहीं ना कहीं उनको गुस्सा था, और उनको जो राज्य मंत्री का पद दिया गया उसको दरकिनार करना, उनका मुंह बंद करना था, कहीं ना कहीं जो उनकी नाराजगी है उसको ढकना था कि भाई आप राज्य मंत्री का पद लीजिए और आप हमारी तरफ आ जाइए, कहीं ना कहीं समर्थन हासिल करना था, क्योंकि भैयू जी महाराज के समर्थकों की कमी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शिवराज सिंह सरकार भी जो है लपेटे में आ रही है, बीजेपी लपेटे में आ रही है, बीजेपी को गुस्सा भी, बीजेपी का भी इसने हाथ कहीं ना कहीं गिनाया जा रहा है अब ऐसे में। और ये हम अपने माध्यम से नहीं कह रहे, सिर्फ ये जो खबरें आ रही हैं उन खबरों के माध्यम से आपको कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जैसे कांग्रेस ने आरोप लगाया, बीजेपी ने पलटवार किया, शिवराज सिंह सरकार पे दिग्विजय सिंह का स्टेटमेंट सामने आया कि शिवराज सरकार पे उन्होंने शक जताया कि शिवराज सरकार के दबाव में थे भैयू जी महाराज, और इस दबाव की वजह से उन्होंने अपनी जान ली।
यानी कि कुल मिलाकर जो यहाँ पे सवाल खड़े होते हैं, सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर भैयू जी महाराज जो उन्होंने अचानक से अपने आप को कर्णपट्टी पे गोली मारी, उसके पीछे की असल वजह थी क्या, क्या वजह थी? और क्योंकि किसी को इसलिए विश्वास नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो खुद लोगों को ज़िंदगी का फ़लसफ़ा सिखाते थे, लोगों को ज़िंदगी जीने का तरीका बताते थे, लोगों को बताते थे ज़िंदगी अनमोल है। तो जो शख्स दूसरों को कहता था ज़िंदगी अनमोल है, उस शख्स के लिए ज़िंदगी बोझ कैसे हो सकती है, ये सोचने वाली बात है। और क्या सिर्फ पारिवारिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो पर्सनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसकी ज़िंदगी में नहीं होती, तो क्या वो इंसान खुदकुशी कर लेता है? और वो तो खुद महाराज हैं, आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है, तो आध्यात्मिक गुरु का मतलब आप समझते हैं कि वो मन तन से बहुत स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर फिर वो स्ट्रांग क्यों नहीं बन पाए भैयू जी महाराज, उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी, इसकी भी जांच शायद पुलिस को करनी चाहिए, और पुलिस शायद कर भी रही होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी इस केस में और भी ऐसे राज हैं जो खुलने बाकी हैं, क्या हैं, और जैसे ही वो राज सामने आएंगे हम आप तक लेकर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।